नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशेक चौहान है और आज मैं आपसे बात करूंगा सूर्यवंशी के बारे में और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट होने जा रही है। और दूसरा, मुझे ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ होम कमिंग फॉर अक्षय कुमार, जो कि कल जो मैंने एक छोटा सा वीडियो बिहाइंड द सीन्स का मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए और मुझे आप लोगों से बात करना चाहिए कि व्हाई आई फील इट्स होम कमिंग फॉर अक्षय कुमार एंड व्हाई दिस फिल्म इज गोना डू टेरिफिक बिजनेस। सो कीप वॉचिंग। दोस्तों, हमने पहला ग्लिम्स सूर्यवंशी का हमें देखा था सिम्बा में एंड वी गॉट टू नो दैट वीर सूर्यवंशी का कैरेक्टर को रोहित शेट्टी ने उस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया था और फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी। सिंस दैट डे इट हैज कैप्चर्ड द पीपल्स इमेजिनेशन बिकॉज वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दैट अक्षय कुमार इज कमिंग बैक इन अ फुल ब्लोन एक्शन फिल्म आफ्टर एजेस। प्रॉब्ली द लास्ट टाइम अ वेल रिसीव्ड अक्षय कुमार एक्शन फिल्म वॉज हॉलीडे और उसके पहले ऑब्वियसली राउडी राठौर। तो अब वो फिर से आ रहे हैं इस फिल्म में सूर्यवंशी में, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है? द डिफरेंट मुझे इसमें ये लग रहा है कि इस पिक्चर में स्केल है। इस पिक्चर में एक बहुत ही रिनाउंड डायरेक्टर है और दिस फिल्म इज पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स विच रोहित शेट्टी इज ट्राइंग टू क्रिएट एंड अक्षय कुमार इस कड़ी के तीसरे हिस्से हैं, सिंगम, सिम्बा एंड सूर्यवंशी। सो इट मेक्स इट वेरी स्पेशल। अगर अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हैज बीन डूइंग कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म्स, जो कि बहुत ही फोकस्ड ऑडियंसेस पे वो लेके बनाते हैं और वो प्राइमरीली मल्टीप्लेक्सेस को टारगेट करके अपनी फिल्में बना रहे हैं और उसमें वो फिल्में काफी अच्छा बिजनेस कर पा रही हैं अक्षय कुमार के स्टार पावर पे। और ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया जो ये हैवी कॉन्सेप्ट फिल्म्स की अच्छी फिल्म, अच्छा थीम, एक अच्छा मैसेज लेके मल्टीप्लेक्स ऑडियंसेस के लिए बनाना शुरू किया। आई थिंक इट स्टार्टेड विद द स्पेशल 26 एंड ही हैज डन इट वेरी सक्सेसफुली टिल नाउ। लास्ट उनकी फिल्म जो आई थी केसरी, जो कि जिसने बॉक्स ऑफिस में बहुत ही टेरिफिक बिजनेस किया, उसका भी लेकिन वो भी फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म थी, नो डाउट। लेकिन वो भी फिल्म जो थी, अगर आप इन सारी फिल्मों को देखें तो ये एक सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए बनाई जाती है, दे आर नॉट वाइड अपीलिंग फिल्म्स। सो अक्षय कॉन्शियसली ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो कि सेफ फिल्में हैं और उनका जो टारगेट ऑडियंस होता है वो लोग बहुत ध्यान से बनाते हैं कि ये किस सेक्शन ऑफ ऑडियंस को अपील करने जा रही है और उस फिल्मों का बजट भी उसी हिसाब से वो करते हैं। लेकिन सूर्यवंशी में इट्स ऑल गोना चेंज बिकॉज सूर्यवंशी मुझे जो लग रहा है देख के, मेकिंग देख के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि इट इज एन ऑल आउट एंटरटेनर एंड रोहित शेट्टी इज नोन फॉर मेकिंग बिग फिल्म्स, रियली बिग फिल्म्स, रियली बिग बजट फिल्म्स। और इस फिल्म में आई थिंक विद अक्षय बाय हिज साइड एंड अक्षय रियली वांटिंग टू डू अ बिग एक्शन फिल्म आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत बड़ी होने जा रही है। और रोहित शेट्टी का फिल्मों की खासियत होती है कि रोहित शेट्टी की फिल्में कुछ भी छोटा नहीं होता है, सब कुछ लार्ज होता है, सब कुछ लार्जर देन लाइफ होता है, हीरो लार्जर देन लाइफ होता है, विलन लार्जर देन लाइफ होता है, सिचुएशंस लार्जर देन लाइफ होती हैं, इमोशंस बहुत हाई होते हैं, एंटरटेनमेंट क्वोशेंट एक्सेप्शनली हाई होता है और बहुत मजा आता है। और उनकी फिल्म जो खास फिल्म होती है रोहित शेट्टी की, वो फोर क्वाड्रेंट्स को अपील करती है। रोहित शेट्टी की फिल्में पूरे फैमिली के ऑडियंस को आप उनके साथ में आप देख सकते हैं, तो हर एक वर्ग को रोहित शेट्टी की फिल्में अपील करती हैं। और अक्षय पिछले 5-6 साल से फोर क्वाड्रेंट फिल्म नहीं कर रहे हैं। आई थिंक द लास्ट फोर क्वाड्रेंट फिल्म दैट अक्षय रियली डिड वॉज आई थिंक राउडी राठौड़, विच रियली वर्क्ड विद एवरीवन। एंड उस समय 2012 की फिल्म थी मेरे ख्याल से राउडी, राउडी ने लगभग उस समय 130 करोड़ का बिजनेस किया था, 130 से 132 करोड़ का बिजनेस किया था। एंड यू कैन इमेजिन, अगर राउडी का बिजनेस अगर आज के टाइम पे आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड करें तो आई थिंक इट विल क्रॉस मोर देन 200-225-30 करोड़। तो दैट वाज द लास्ट फोर क्वाड्रेंट फिल्म दैट अक्षय डिड एज अ हीरो। उसके बाद अक्षय की सारी फिल्में सेक्शनल अपील है, ये फिल्म ये सबको चेंज करने जा रही है। दूसरा, इस फिल्म के बारे में जो बात की जा रही थी कि ये फिल्म पहले ईद में आनी थी, ईद में इसको अनाउंस किया, फिर रोहित शेट्टी ने जाके सलमान खान के साथ इसको 27 मार्च को शिफ्ट कर दिया। दोस्तों, लेट मी अश्योर यू एंड लेट मी बी, आई एम एन एग्जिबिटर एंड ऑल दिस फस अबाउट रिलीज डेट्स डजंट रियली मेक टू मच ऑफ अ डिफरेंस बिकॉज व्हाट रियली मैटर्स कि फिल्म का कॉन्टेंट क्या है।
दोस्तों पिछले 10 दिन 11 दिन से मैं कबीर सिंह को स्क्रीन कर रहा हूं अपने सिनेमा में, आज भी इट इज रनिंग टू पैक्ड हाउसेस। ये ना ईद रिलीज थी, ये ना दिवाली रिलीज थी, ये ना होली रिलीज थी, ये ना क्रिसमस रिलीज थी। ऑडियंस को जब पिक्चर पसंद आ जाती है तो ऑडियंस ईद दिवाली दशहरा नहीं देखती है, वो पिक्चर देखती है और वो पिक्चर देखने आती है। सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस व्हेन योर फिल्म रिलीजेस। बाहुबली जिसने 511 करोड़ का बिजनेस किया वो कोई ईद दिवाली क्रिसमस दशहरा रिलीज नहीं थी। सो लेट्स गेट दिस आउट ऑफ आवर हेड्स कि यू नीड अ बिग रिलीज डेट टू फॉर अ फिल्म टू डू वेल। अ फिल्म कैन डू वेल एनी टाइम, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बड़ी फिल्म को मोर देन अ हॉलीडे, अ बिग फिल्म नीड्स अ क्लियर रन, अ क्लियर विंडो। एक क्लियर विंडो मिलना ज्यादा जरूरी है, और अगर 2 वीक का विंडो सूर्यवंशी को मिलता है आई थिंक इट विल बी इजिली अक्षय बिगेस्ट एंड प्रोबेबली रोहित बिगेस्ट, बिकॉज इस फिल्म में वो सारी चीजें मुझे दिख रही हैं जो एक बड़ी फिल्म में होनी चाहिए। और ये फिल्म कभी भी आएगी, आप इस फिल्म को रमजान में भी रिलीज कर दीजिए, इट विल टेक अ माइंड ब्लोइंग ओपनिंग, बिकॉज अक्षय कुमार इज कमिंग बैक इन टू फुल एक्शन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हिज फैंस हैव बीन डाइंग टू वॉच हिम इन दिस अवतार, द होल कंट्री हैज बीन डाइंग टू वॉच अक्षय कुमार डू एन एक्शन फिल्म, ही इज बीन होल्डिंग हिमसेल्फ बैक फॉर सो लॉन्ग। तो इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही इसके रिलीज डेट्स में, एंड आई एम वेरी सर्टेन कि जो भी मैंने कल देखा है जिस तरीके की स्केल और माउंटिंग सूर्यवंशी की हो रही है, इट इज गोइंग टू बी अ ट्रीट फॉर अस। आई थिंक रोहित इज ऑल्सो उन्होंने अपना स्केल को अप कर दिया है, एक्शन खास करके इसमें बहुत ही स्टाइलाइज एक्शन देखने को मिल रहा है, और रोहित के सिग्नेचर इमोशनल सीक्वेंसेज और ड्रामा और हाई वोल्टेज विलेंस और वो सीक्वेंसेज होंगे और फिस्ट फाइट्स होंगे। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ ट्रीट फॉर ऑल ऑडियंसेस, एंड इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग फिल्म जो अभी तक दिखने को लग रही है। एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कभी भी रिलीज हो ये फिल्म, 27 को हो या ईद में हो या रमजान में हो, इट विल डू माइंड ब्लोइंग बिजनेस। एंड इट इज द बेस्ट थिंग इज दैट अक्षय कुमार हैज कम बैक इन टू अ फुल फ्लो ऑल क्वाड्रेंट फिल्म विच ही नीडेड टू डू फॉर सो लॉन्ग विद द राइट बजट एंड विद द राइट टीम। He's working again, and it will may mark my words, it will be a pleasure for me to screen, for you to watch, and everyone associated with it. Thank you so much, and keep watching.